कैपिटल स्पोर्ट्स शकील शेख के साथ मैं हूं निवेद खोकर। नाजिन, आज बात करेंगे प्रोग्राम में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के हवाले से। तीसरा वनडे इंटरनेशनल इस वक्त जारी है, फैसला कुन मार का है। आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कजाफी स्टेडियम लाहौर में ये मैच जारी है। 60 के करीब ऑस्ट्रेलिया रन स्कोर कर चुका है, जबकि 4 खिलाड़ी उसके आउट हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान की बॉलिंग आज कुछ नई हो गई है। इस पर बात करेंगे शकील शेख साहब के साथ। शेख साहब, वेलकम भी करते हैं आपको शो में। क्या आज खा के आए हैं पाकिस्तानी बॉलर हैं जो 4 खिलाड़ी आउट कर दिए? देखो नवीद, बड़ी अच्छी बात है कि देखें, आपने हार से पहले जो हार हुई ना आपकी, आपने उससे लर्न किया। अब सेकंड मैच में भी आपने लर्न किया और बड़ा हाईएस्ट एक रिकॉर्ड बनाया, 348 का आपने चेज किया। आज भी इन्होंने ये किया है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन कि ये थोड़ा सा आप चेंज किया करें इस चीज़ों को, सही ताकि मतलब है कि क्रिकेट ज़रा थोड़ी सी ना आपकी लाइवली लगे, एनर्जी आए उसमें। मसलन आज क्या किया, हारिस सोहेल आपको याद है कि वो मिडल जी, आज जब उन्होंने हारिस को नया बॉल दिया तो उसने तो मतलब है सिंपली कहते हैं कड़ाके निकाल दिए। हाँ। साथ शहीन शाह है, ठीक है जी, एक विकेट उसने ले ली, दो उसने ले ली, तो वो ऑस्ट्रेलियन टीम ना ऊपर से बैठ गई है। अब ये ऑस्ट्रेलियन ज़्यादा लंबा खेलेंगे, जी स्ट्रगल करेंगे, कोशिश करेंगे, मगर अब आज दिन वो 350 300 वो वाला ना आप सोचें, सही अब ये स्ट्रगल है उनका। और ये मुझे बड़ी खुशी की बात है कि बाबर आजम की तो जितनी इनिंग की पिछले मैच में तारीफ की जाए वो कम है, और उसका लीडरशिप का रोल भी कई लोगों ने सोशल मीडिया पर डिस्प्यूट बनाया था, नादान लोग हैं, लेकिन अब वो भी तारीफें कर रहे हैं। सही तो कहने का मतलब ये, एज ए लीडर, एज ए बैट्समैन, और उसने पाकिस्तान को ये सीरीज जो है ना, मुझे लगता है कि आप पाकिस्तान अब वाइट वॉश तो ना उन्होंने किया ना ना हमने, हम दो करते हैं। एक से पाकिस्तान के जीतने के चांसेस ज्यादा है गिवन अभी की सूरत हाल जो है। बाबर की 12-13 ओवरों में मेरा ख्याल 60 हो चुका है, जी मगर 4 आउट हो चुके हैं। अच्छा, फिर आप देखें कि जब ये लड़का आता है अपना जायद महमूद, इसे मैं उस शुरू से कह रहा था कि यासर शाह हो या शदाब हो या जी कोई हो, आपका रिस्ट स्पिनर लाजमी होना चाहिए। जब रिस्ट स्पिनर होगा तो विकटें, वो देखें अटैकिंग बॉलर होता है, विकेट्स लेता है, सही उसने आते ही देखें विकेट ले ली जी, है, बिल्कुल ऐसे ही है। विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन कि भाई अब उन पर और प्रेशर माउंट हो गया है। और खैर, ऑस्ट्रेलियन की ये आदत है कि वो खेलते चले जाते हैं, वो मारते चले जाते हैं, वो बिल्कुल प्रेशर एक्सेप्ट नहीं करते, और वो मेरा ख्याल है कि करते जाएंगे वो बाज नहीं आएंगे। सही इमाम ने बड़ा अच्छा कैच जी, लिया था, जबरदस्त ये कैच किया जबरदस्त इमाम ने। कैच था, और इमाम तो खैर 4 सेंचुरियां जी एक महीने में जिस शख्स ने की हो, वैसे आप इमाम क्या के ऊपर भी काफी सवाल थे, लेकिन वो सारे नहीं, धुल गए, शायद खत्म एक हो बंदे जाएंगे ने अभी चार इतना सेंचुरियां जिक्र दो मार। टेस्ट में कर दी, दो वनडे में कर दी, हाँ अब आप इस पे क्या कहें, आप जी सिवाय इसके कि इस लड़के की तारीफ की जी जाए बिल्कुल ऐसे, कि उसने इतना क्रिटिसिज्म लेके, प्रेशर लेके, और फिर भी साबित किया ये उसने, जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है ना पाकिस्तान टीम की और लड़कों की, यही इनका हुस्न है। खूबसूरती कभी है ये पाकिस्तान बिल्कुल नीचे में। चले जाते हैं, कभी उठते हैं तो जी फिर दूसरे को लटा ही देते हैं, और लड़ाया किसको है कि बेस्ट टीम है अपना दुनिया की, ऑस्ट्रेलिया की, मगर ये बात अपनी जगह पे है कि उनके अच्छे लड़के नहीं हैं, जरा जी थोड़े से सेकंड टीयर के लड़के हैं, सेकंड थर्ड टीयर के 8-10 लड़के उनके आज जा चुके वसीम हैं। भी काफी फॉर्म में लग रहे हैं, और लगता है कि अच्छी विकेट को लेने में कामयाब हो जाएंगे। हाँ, देखिए पाकिस्तान इस वक्त वेरी कंफर्टेबल हाँ टू विन, और मुझे लगता है कि कम से कम स्कोर पे ये आउट करेंगे। आप देख लेंगे कितना हुआ है, 13वां ओवर है शायद, 61 जी है, जी 61 है। तो ये मतलब इतना अच्छा स्कोर नहीं है गिवन के विकेटें गिर गई हैं, हाँ आप पे प्रेशर आ रहा है। अभी उनका देखें ना, दो बंदे, एक तो मैकडरमंड खैर अच्छा खेलता है आपको जी, पता है, वो भी खड़े हैं फिर ये चौंतीस रन कैरी पे। भी अच्छा है, उसके बाद मेरे यहाँ ग्रीन वगैरह होंगे, नहीं जी बिल्कुल, उसके बाद कैमरन ग्रीन है, सेना कैमरन बट ग्रीन हैं, है, बुरा नहीं खेलते, अच्छा खेलते हैं, और ख़ास तौर पर कैमरन ग्रीन तक तकरीबन की बैटिंग लाइन ठीक है ख़ास सारी तौर पर ये जो लड़का है ना मैकडरमंड, जी। नया आया लेकिन इसने जो बैटिंगें की हैं दोनों पिछले में मैचों में सेंचुरी स्कोर कर ली इन्होंने। बड़ी ज़बरदस्त की है, ये बड़ा अच्छा लड़का है और हिटिंग क्लीन करता है, अच्छी करता है, और इसमें बड़ी डिटर्मिनेशन है, ये ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टार बनेगा, तो इस लड़के को आउट करना चाहिए, फिर आपका ना ये मैच है ना काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएगा। आज वैसे हिकमत अमली क्या समझते हैं बाबर आजम की? उन्होंने आज टॉस जीता और उन्हें फील्डिंग की दावत दी, फील्डिंग की। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान ने ये ट्रेंड रखा हुआ है कि भाई चले दूसरी टीम को बारी दें, सही क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर थोड़ी बहुत ड्यू भी है, 5% 10% भी है, तो उसका एडवांटेज लिया जाए, दूसरा बॉलर जो है वो ज़रा बॉल नमी आ जाती है तो इनफेक्टिव सा हो जाता है, स्विंग स्विंग नहीं होती, तो वो उसका बैट्समैन को ही फायदा होता है। सही और है जैसा कि आपको पता है कि इंजमाम और इमाम और उसने बाबर आजम ने सेंचुरियाँ की और बड़ी तेज़ की, बाबर आजम ने तो मेरा ख्याल है 83 बॉलों पर 114 कर दिए जी थे, नहीं बिल्कुल तो ये बड़ी क्वालिटी है पाकिस्तान टीम की। और देखें, मैं तो पहले भी कहा क्रिटिसिज्म भी होता है, ये नहीं कि नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान के लिए है, अगर वो जीते इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं है। अपना हाउस ठीक करें, स्ट्रेटजी सही बनाएं, गेम प्लान के साथ आएं, और फिर
विक्ट्री आपका इंतजार कर रही होगी। बाबर ने आज कहा भी है बल्कि टॉक करते हुए कि आज हम जीत के लिए पूरी उम्मीद है, और वे कह रहे सीरीज हम जीतना चाह रहे हैं, आज जीतने के लिए जी निकलेंगे हम। ज़ाहिर आप 2-3, 2-1 से जीत सकते हैं, उसके बाद एक वनडे रह गया है, जी और ये बड़ा अच्छी बात है, बड़ी खुशाइंद बात है कि ऑस्ट्रेलियन टीम का टूर जो है वो मतलब इख्तिताम की तरफ जा रहा है। एक मैच रह गया आप टी और ट्वेंटी का, पुरसकून तरीके के साथ। और बिल्कुल पीसफुली, जी कोई नहीं हुआ, बेहतरीन इंतजाम हुए हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा अच्छा साइन है, इसलिए ये बड़ा चांस है कि दूसरी टीमें जो है ना, अब आने वाले दिनों में आपको पता है इंग्लैंड ने आना है, न्यूजीलैंड ने आना है, फिर वेस्ट इंडीज़ ने आना है जून में, सही। और फिर ये तजवीज़ भी चल रही है कि 4 नेशन का टूर्नामेंट रमीज वाले सब 7 तारीख को पेश कर रहे हैं ICC में। अगर वो अप्रूव हो जाती है 4 टीमों की, तो वो नथिंग लाइक दैट के पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान को बड़ा रेवेन्यू भी मिलेगा, क्रिकेट भी क्वालिटी की होगी, और पाकिस्तान मैप पे काफ़ी ऊपर चला जाएगा। सऊद शकील को हटाया गया, आसिफ अली को शामिल किया, जी उनके क्या समझते हैं इस तब्दीली सऊद के हवाले शकील से क्या पे कहेंगे? दोनों मैचों में नहीं चला, अच्छा चांस था इस लड़के को, चांस देना और भी देना चाहिए, मैं इस लड़के के हक में हूँ। आसिफ अली ने तो देखे बहुत चांस दिए हैं, अच्छा खेलता है, सही। और शायद इन्होंने ये कहा है कि थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर को और स्ट्रेंथन किया जाए। हालांकि सऊद शकील अच्छा है, लड़का है, यंग है, और उसके प्रॉस्पेक्ट्स भी ज़्यादा हैं, सही। फिर लेफ्टी भी है, लेकिन यह है कि क्योंकि चला नहीं था, तो मैं कहा थोड़ी बहुत ना टिंकरिंग, थोड़ी बहुत चेंजेस, थोड़ा बहुत अपना क्रिकेट की, मॉडर्न क्रिकेट की ना रहनी चाहिए। जैसे आज सही। बॉलिंग में भी किया है इन्होंने, बैटिंग में भी किया, बॉलिंग में भी किया, तो ये अच्छी बात होती है, बुरी नहीं होती है। आप घबराएं नहीं, घबरा के नहीं खेलें, सही। अपनी स्ट्रेंथ छोड़ें, ये क्या है ऐसे, आप हमारी स्ट्रेंथ तो फलानी की स्ट्रेंथ, अटैकिंग क्रिकेट खेलें, अग्रेसिव क्रिकेट खेलें, और जीत के लिए जाएं, आप सारी टीमों को हरा सकते हैं। मेरा सही है। ईमान है पाकिस्तान के लड़के बहुत अच्छे होते हैं, टैलेंटेड, और थोड़ा सा इनको कॉन्फिडेंस दें, थोड़ा सा पुशअप करें, और इनको कहें कि पढ़ जाए, और मेरा ख्याल है कि देखें तकड़े होके पड़े हुए हैं आप, ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने मतलब लुटाया बिल्कुल। हुआ है। आज ऑस्ट्रेलिया में भी शेख साहब एक तब्दीली की गई है, मिचेल स्विप्सन जी को हटाया गया, जसन उनकी जगह शामिल किया गया। आप क्या समझते हैं कि आज नहीं, उनके ये जो बॉलिंग प्लेयर है ना, लाइन? ये उनके इस तरह के सारे प्लेयर हैं, उनके जो अच्छे प्लेयर थे आपको पता है वो चले हाँ गए हैं, चले गए। दस एक प्लेयर शायद जग गए हैं उनके, सही तो वो तो खैर बड़े, और वो इंजर भी हो गया था आपको पता है स्मिथ का, जी, तो उनके वो प्लेयर वाले बहुत अच्छे थे, मैक्सवेल ठीक बड़ा है, अच्छा था, वार्नर बड़ा अच्छा था, वो नहीं है, वो क्लास नहीं है, सही है, लेकिन चले उन्होंने पहले मैच में तो मतलब बड़ा अच्छा ठीक है। परफॉर्म किया। कामरान अकमल ने हमें ज्वाइन किया, कामरान आपको वेलकम करते हैं शो में। कामरान आपको आवाज़ आ रही है? जी, आवाज आ रही, थैंक यू वेरी मच। कामरान भाई क्या कहेंगे, 65 रन हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया के 4 खिलाड़ी आउट हो गए हैं, आप क्या समझते हैं आज का मैच कहाँ जा रहा है? देखिए, एक तो उनकी टीम जैसी भी है, उनके मेन प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है। जो उन्होंने डैमेज डन करना था वो पहले मैच में कर दिया था। मैंने कहा था कि ये फिर हमारे लिए सरप्राइज नहीं है, हमें वो छोटी से छोटी टीम भी हरा रही है, जिम्बाब्वे जैसी टीम से हम लोग हार रहे हैं, तो ये कोई सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान टीम ने अच्छा कमबैक किया, दूसरे मैच में टोरीगल चेज किया, अच्छा स्ट्रांगली पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं, स्ट्रांगली खेल रहे हैं, और आज के मैच में जैसे ये 4 आउट हो गए हैं 63 पे, तो मेरे ख्याल से जैसी उनकी बैटिंग लाइनअप पर सिर्फ नई बॉल पे आउट करना होता है, तो वो ये ऐसी टीम जिनके प्लेयर्स अवेलेबल ना हो तो अंडर प्रेशर आ जाते हैं। सही। ट्रेवल साइड पे वो ज्यादा डिपेंड कर रहे थे, मैकडर अभी खेल रहा है तो ट्रेवल साइड आउट हुआ, तो उसके बाद फिर जैसे प्रेशर में आए आपको नजर आ ही गया। एक अच्छी बॉलिंग, जबरदस्त बॉलिंग, मैं समझता हूँ कि इस वक्त शाहीन जितना अच्छा कर रहा है, डिलीवर नए बॉल के साथ आउट कर रहा है, लास्ट मैच में भी 4 आउट किए हैं, फिर आज हारिस रऊफ इस पूरी सीरीज में बड़ी जबरदस्त फॉर्म में रहा है, बड़ी सही। जबरदस्त रिदम के साथ उसने बॉलिंग की, तो नए बॉल पे जैसे ही आउट करेंगे तो ऑस्ट्रेलियन टीम का यही हाल होना था, जैसी बैटिंग लाइनअप है उसके पास। ठीक है, कामरान आपको मैं वेलकम करता हूं अपने शो में, काफ़ी थैंक यू। काफ़ी दिनों कामलिकुल में सर, आए, कई मसरूफियत थी, मेरा ख्याल है कि काफ़ी दिनों बाद आए आप हैं, लेकिन यह है कि खुश आमदीद कहते हैं। और मैं, मुझे ये बताओ कि बाबर आजम से पहले मैं ये पूछना चाहता हूं, पिछले मैच में देखें 2 वनडे हुए हैं, इमाम ने दोनों में सेंचुरियाँ की हैं, टेस्ट में आपको पता है पिंडी में बैक टू बैक सेंचुरी उसने की है, तो आप इसके साथ क्या, आपका जूनियर था ये छोटे भाइयों की तरह, आपने इसको ट्रेंड भी किया, खिलाया भी है, मुझे ये बताएं कि इमाम के और इसकी बैटिंग और अब जो इसकी फॉर्म आई है, आप क्या कहते हो कि पाकिस्तान को एक परमानेंट ओपनर मिल गया? देखिये परमानेंट ओपनर शेखर ये तो जब से आया हुआ उस वक्त से ये खेलता हुआ आ रहा है, जी और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ऑस्ट्रेलियन टीम जैसी भी है तो नंबर 1 है, वर्ल्ड कप 5 जीती हुई है, और उसके बाद देखें कि
ऐसी टीम के खिलाफ बैक टू बैक 100 करना कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती, बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। लेकिन पहले मैच में जैसे इसने इंटेंस शो किया, थोड़ा सा लेट हो गया था जिसकी वजह से मैच मेरे ख्याल से पाकिस्तान से दूर हो गया था, लेकिन अगले मैच में जैसे ये खेला, जैसे इंटेंस डाला, जैसे बैटिंग की है बड़ी जबरदस्त किया, उसके अलावा देखिए इसकी मेहनत है हाई बॉल क्रिकेट में। अब मेरा नहीं ख्याल के फखर और इमाम बार किसी को सोचना चाहिए, अनलेस के कोई इंजरी ना हो, अल्लाह ना करे, या फॉर्म बिल्कुल ही पूरी ना हो, तो फिर ही सोच सकते हैं कोई ओपनर लाने के लिए। फखर और इमाम जबरदस्त टच में है और अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं, इस चीज को और बेहतर करे, मेंटली स्ट्रॉन्ग हो और स्कोर बोर्ड के हिसाब से खेले, ना कि वो सर्वाइवल जैसे होते हैं ना वैसे ना खेले, जैसे पहले ओडीआई में हम लोगों को लगा करके रन करने बड़े जरूरी थे, दूसरे ओडीआई में नजर आ गए तो उसके रन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं जब वो खड़ा है, तो टीम फिर इतना बड़ा भी चेज कर सकती है। तो ये सारा एलिमेंट टीम के साथ है, फिर उससे बड़ी परफॉर्मेंस जो दी है बाबर ने अपना 100 किया 72 बॉलों पे, वो अमेजिंग था। जितना क्रिटिसिज्म उस पर हुआ वो भी थोड़ा स्लो खेला पहले ओडीआई में, दूसरे ओके में उसने भी कम बैक किया। देखो ओवरऑल टीम वर्क है, बॉलिंग में अभी भी बड़ी जरूरत है। आप देखें शहीन और हारिस राउत के पास अभी बड़ी जरूरत है फास्ट बॉलर की अच्छी, हसन अली फॉर्म में नहीं है, उसका फॉर्म भी आना बड़ा जरूरी है पाकिस्तान टीम के लिए। शाहनवाज धानी भी है, उसको भी खिला सकते थे आज मोहम्मद रफीम जूनियर की जगह, और शताब का फिट होना बड़ा जरूरी है, और ऐसे कॉम्बिनेशन टीम का वाइट बॉल क्रिकेट में बड़ा जबरदस्त लगेगा। देखिए क्रिकेट अच्छी खेलनी पड़ेगी तो हम लोग स्कोर करेंगे, जैसे कि टेस्ट मैच हम लोग बिल्कुल अच्छा नहीं खेले, अच्छी क्रिकेट नहीं खेले, आज स्टेडियम में कोई बंदा नहीं था, नहीं तो लाहौर में कोई भी टीम आती थी तो स्टेडियम फुल होता था। फैंस को पाकिस्तान की आवाम को खुश करने के लिए हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, जैसे दूसरे ओडीआई में हम लोग खेल रहे हैं, ऐसी क्रिकेट खेलेंगे तो आवाम भी आएगी, नहीं तो फिर ऐसे ही वो कवे बैठे रहेंगे, मैच देखते रहेंगे, कोई आएगा नहीं, सपोर्ट करेगा नहीं, क्योंकि हमारा ग्राफ बहुत नीचे जा रहा है। उसको उठाने के लिए हमें ऐसी जीत चाहिए जैसी दूसरी ओडीआई में मिली, और ऐसी परफॉर्मेंस चाहिए, ना कि अपने पर्सनल गोल के लिए परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, उस परफॉर्मेंस की जरूरत है जिसको टीम को फायदा हो, टीम जीते, और टीम जीतेगी तो नाम बनेगा, टीम जीतेगी तो आप ग्रेट प्लेयरों की लिस्ट में आएंगे, फिर ही फायदा होता है। सही कामरान, ये उतनी देर में एक और आउट हो गया है, 5 आउट हो गए हैं इनके, और इस वक्त कैमरन ग्रीन और एलेक्स कैरी खेल रहे हैं, मैकडरमंड जो बड़ा डेंजरस प्लेयर था वो आउट हो गया। कामरान मैं दो ये बातें पूछना चाहता हूँ, आपने बड़ी टेस्ट क्रिकेट खेली है और पाकिस्तान को लीड किया है, ये मुझे बताइए कि ये जायद महमूद जो है स्पिन बॉलिंग जब भी आता है एक आध आउट कर देता है, बड़ा अटैकिंग है, और ये काफ़ी अरसे के बाद खिलाया, एज भी इसकी काफ़ी हो गई, मगर वो साबित कर रहा है कि इज़ ए गुड प्लेयर, सुपर लीग के मैचेस हो रहे हैं और पाकिस्तान के लिए काफ़ी कारकर्दगी कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें, आपका जो मेजर प्लेयर था रिजवान, वो इन दो मैचों में नहीं मतलब उसने परफॉर्म किया, आप क्या समझते हो कि मतलब वो हाफ कलर हुआ है, क्या हुआ है? उसको तो लाजमी खेलना चाहिए कि भाई उसको पाकिस्तान के लिए मतलब बड़ा ज़रूरी वो बैट्समैन है बाबर आजम के बाद, इन दोनों पे आप क्या, आपका क्या टेक है? देखिए रिजवान की फॉर्म तो ओडीआई क्रिकेट में कुछ अच्छी नहीं है, काफी 10-12 मैचेस में आपने देखा होगा, इंग्लैंड में एक ही स्टार्ट किया तीसरे ओडीआई में, उससे पहले और उसके बाद भी कोई फॉर्म अच्छी नहीं, T20 और टेस्ट मैचेस में तो बड़ा जबरदस्त कर रहा है, उसकी फॉर्म डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए आनी बड़ी जरूरी है, नहीं तो रिजवान के लिए भी मुश्किल होगी और पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन भी ठीक नहीं रहेगा। पाकिस्तान टीम स्ट्रगल करते हर मैच में, इमाम और फखर ने तो स्कोर नहीं करना ना बाबर ने, 4-5-6 ये बैट्समैन ऐसे हैं कि इस पे इन पे बड़ा रिलाय करेगी पाकिस्तान टीम। मैंने ओडीआई सीरीज शुरू होने से पहले कहा था कि टेस्ट होगा मिड ऑर्डर, अभी टेस्ट देखे हुआ पहले ओडीआई मैच में, जैसे ही ऊपर से आउट हुए हैं तो प्रेशर आया तो किसी ने कुछ नहीं किया, जब तक ऊपर से रन नहीं करेंगे तो हमारा मिड ऑर्डर नाकाम होता रहेगा। तो ये मेंटली एक तो ये स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा कि चाहे ऊपर से रन हो या ना हो, हम लोग का जो रोल है वो हम लोग अच्छा करते रहे, सही निभाते रहे, उसके बाद फिर क्या नाम है टीम की परफॉर्मेंस। जैसे आपने दूसरा सवाल रिजवान के अलावा क्या जाहिद का किया था, देखिए जाहिद की एज का सर इसमें कोई नहीं, आप नुमान अली को खिला सकते हैं इतनी एज में, आसफ अफरीदी को सिलेक्ट कर सकते हैं 35 साल की एज में, मेरे ख्याल से सिर्फ क्राइटेरिया फिटनेस और फॉर्म होनी चाहिए, क्या वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलता है 100% कमिटमेंट देता है ग्राउंड में,
तो परफॉर्मेंस करता है, तो मेरे ख्याल से उसका कोई हक रोक नहीं सकता। ये चीज अच्छी है, और उन उनके लिए मेरे ख्याल से शट अप कॉल है जो ये एक डोमेन चलाते हैं नेगेटिव, जो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए होती है एज को लेके। यंगस्टर है, यंगस्टर इतने अच्छे होते तो आज हैदर अली भाई ना बैठा होता, सही आज सही क्या नाम है शाहनवाज दानी भाई ना बैठा होता, तो ये खेल रहे होते। इतने यंगस्टर है, इतनी परफॉर्मेंस दी है, तो पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट मांगती है मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कैसे डिलीवर करते हैं उस हिसाब से। तो अच्छी ठीक हो चीज है कि गायक खेल रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है, खुशी की बात है। हम तो चाह रहे थे कि ये टेस्ट मैच खेले, या तो शायद लेवल नहीं था, तो ये टेस्ट मैच खेलता तो शायद डिफरेंट रिजल्ट आता स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में, और आउट करके देते टेस्ट मैचेस में। तो वनडे खेला अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बड़ा जबरदस्त बॉलर है, तो कैरी ऑन करना चाहिए ऐसे बॉलर को। तो अपना अपने भाई पे क्या कहोगे आप, बाबर आजम पे? क्या वो सारी तनकीदें सोशल मीडिया पे, वो जो अब थोड़ा बहुत लोगों ने शुरू किया था कि जी वो लीडर अच्छा नहीं है, वो बैट्समैन, वो उसका रन रेट, सारी बातों में मलबा फिर गया है बाबर आजम पे। आपका क्या टेक है कामरान अकमल? देखिए सर, बाबर को तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, हमारे पास तो अभी टीम में ये प्लेयर्स निकाल दें तो फिर आप भी इतनी क्रिकेट समझते हैं, खेल देखी हुई है, खिलाया आपके हाथों में, खेल के आया बाबर आजम, लाहौर वाले इसको खिलाते नहीं थे, जगह नहीं बनती थी, तो आपने इसको खिलाया तो आप समझते हैं ज्यादा बेहतर क्रिकेट। तो ऐसे ही देखिए, मैंने कहा ना कि पाकिस्तान में अब बन गया हुआ, किसी को क्रिटिसाइज करना हो और किसी एक को रिवाज सा सीट से बन गया। उतारना हो तो ऐसे एक क्या नाम है डोमेन चलानी शुरू कर देते हैं। जी तो हाँ, मेरे ख्याल से बाबर आजम डे बाई डे बेहतर कर रहा है, कैप्टनशिप बेहतर कर रहा है। सिर्फ ठीक है। थोड़ा सा सोचे कि अगर मैं अगर वर्ल्ड का दूसरा प्लेयर बन जाऊं फास्टेस्ट 4000 रन की, उसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बढ़िया। उसकी खुशी और होगी अगर टीम अच्छा परफॉर्म करे, टीम जीते और टीम का जो बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है उसके मुताबिक जाए, जो अपने इर्द गिर्द के पुट्ठे से जो मशवरे देना लेना उन्हें भी ना सुने, बस ऐसे मेरा मशवरा है। और अपना 100% दे और अपनी परफॉर्मेंस, तो खैर फोकस तो उसका परफॉर्मेंस किया, इतनी कम एज में, इतने कम मैचेस में 1500 ODI में कर दिए हैं, क्या परफॉर्मेंस है। फिर वो बातें करते हैं जिनको अली बे का पता नहीं होता क्रिकेट की, तो जबरदस्त। वो जमीन चल रही होता, लीडर नहीं होते वो, उन्होंने कभी घर पे पानी का नहीं किसी को बोला होगा, उसको बात भी सुनता होगा तो वो कैप्टनसी की बात कर रहा होगा। तो सही। ये बस अलमिया पाकिस्तान की क्रिकेट का। तो मेरे ख्याल से नहीं बाबर कामरान, को आपकी बस फैमिली ने ये पाके सोचे आपकी अपनी फैमिली ने यारी दोस्ती से हट के, अपनी यारी दोस्ती से हट के पाकिस्तान का सोच के डिसीजन सही ले। कामरान, आपकी फैमिली ने बड़ा पाकिस्तान को सर्व किया। आपने फिर देखे ना, उम्र है, फिर छोटा है, उसके अलावा आप बाबर आजम, बाबर आजम तो ही इज कंकरिंग द वर्ल्ड। आप देख लो 100 में जो इंग्लैंड में हुआ है, हाईएस्ट सैलरी तो उसकी रखी गई है, ठीक है, 4000 रन कर दिए, आईसीसी की सारी रैंकिंग में ऊपर है, पाकिस्तान का कप्तान है। तो आपकी फैमिली की इतनी सर्विसेज हैं पाकिस्तान के लिए कि मतलब है कि पाकिस्तान कोई भी उसका दोना नहीं धो सकता। और आपने बहुत क्रिकेट की सर्विस की है, आप लोग जैम हो और हमारी तरफ से तो आप डायमंड हो, और आपकी सर्विसेज, आप आपकी फैमिली को सलूट पेश करना चाहिए, आपके पेरेंट्स को, आपके वालद साहब को, बाबर के वालद साहब को, कि क्या हीरे पैदा किए हैं जो पाकिस्तान का नाम ऊपर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जी कामरान, बस फैमिली वालों की दुआएं हैं, और इनकी दुआओं के बगैर तो कुछ भी नहीं कर सकते थे, और इन्होंने कैसे सपोर्ट किया है, तो यही आज देखें कि अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे उतना कम है। जी और इंशाल्लाह इस चीज को बाबर है, उमर है, ने अल्लाह का शुक्र है जितनी खेली पैशन के साथ, प्राउड के साथ खेली है, कि उमर ऐसा परफॉर्म उमर करे अकमल का आपकी उमर टीम अकमल का काफी बेटा भी आ रहा है आपके, शुरू किया है कि नहीं उसने? यानी आपका नहीं, बेटा, काफी बेहतर हो गया, आपका आपका काफी बेहतर हो गया, काफी बेहतर हो गया माशाल्लाह उसका। और इंशाल्लाह आप जल्दी देखेंगे, और PSL में भी कम हुआ, ट्रेनिंग कर रहा है, इंशाल्लाह सही। आके जाके भी कंटिन्यू करेगा। और नहीं, जैसे मैंने कहा ना मैं मैच आपके आपके में छोटे बेटे, बहुत, आपके छोटे बेटे की बात कर रहा हूँ, काफी छोटा है, लेकिन आप शुरू तो कर दिया होगा ना मार्टन में उसने। नहीं सर मेरा तो कोई इरादा नहीं है उसको क्रिकेटर ना बनाने ना ना ना, का, ये क्या बात कर नहीं रहे कौम तो देखना चाहती है, जूनियर हैं। कामरान अकमल भी एक आए। जी बिल्कुल इंशाल्लाह, अभी तू अर्ली है कुछ कहना, अभी 11 ईयर्स का है, जी बस अभी सही बस स्टडी की तरफ ज्यादा फोकस है,
ठीक है तो हमसे कोताही रह गई है वो पूरी करे बस, अभी यही है लेट्स सी क्या होता है। लेकिन अभी फिलहाल वो इतना उसका पैशन नहीं है और मेरी भी ख्वाहिश नहीं है कि वो क्रिकेटर ना बने, पर ठीक हो गया, बाकी हर काम जो भी उसके बेहतर हो करे। सही, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कामरान अकमल हमारे साथ मौजूद थे। एक सब गुफ्तगु का सिलसिला जारी रहेगा नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। कह रहे हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के हवाले से, तीसरा वनडे इस वक्त जारी है और पाकिस्तान ने 5 खिलाड़ी आउट किए हैं अब तक ऑस्ट्रेलिया के। हमें ज्वाइन किया है यहिया हुसैनी ने और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है शकील शेख साहब। यहिया हुसैनी की तरफ चलते हैं, यहिया आपको वेलकम करते हैं शो में। नवीद फोकर साहब बहुत शुक्रिया आपका और शकील शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू यहिया भाई, बताइए कि आप आज मैच बड़ा जबरदस्त है, इस वक्त पाकिस्तान के बॉलर ने छाए हुए हैं, 5 खिलाड़ी आउट कर चुके हैं, 84 रन हो चुके हैं, क्या समझते हैं मैच कहाँ जा रहा है आज? देखिए नवीद खोकर साहब, यही थी ऑस्ट्रेलिया की टीम और पहले दो मैचों में मेरे लिए हैरान कर बात थी कि ऑस्ट्रेलिया ने 300 प्लस रन किए और आप गलतियां कर रहे थे, आपकी मनसूबाबंदी का फुकदान था, बॉलर्स आपके सही जगह पर गेंद नहीं डाल रहे थे, लेकिन आज वो सब कुछ आपने किया। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है, गालिबन मेरी शकील शेख साहब से ही बात हो रही थी टेलीफोन पर, गर्मी बहुत है और इस गर्मी में बेहाल है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। उनके पास बेहतरीन मौका था 348/7 करके सीरीज को अपने नाम करने का, वो उन्होंने मिस किया और अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जो है वो बेहाल हो गए हैं। मौसम उनके लिए बहुत ज्यादा ट्रिकी है, बहुत ज्यादा गर्म है और उसके अलावा जो उनकी स्ट्रेंथ थी, जो उनकी पोटेंशियल थी, बस यहीं तक थी। सही जी, यही आपको वेलकम करते हैं। मुझे बताइए कि ये पाकिस्तान अगर सीरीज जीता है, दो मैच जीतने के बाद अगर वनडे सुपर मैच में, तो पाकिस्तान के तो बड़े प्रॉस्पेक्ट्स बन जाएंगे कि पाकिस्तान मतलब सुपर लीग में ऊपर आ सकता है, हालांकि 2023 तक का ये साइकिल है, लेकिन ये है कि आप क्या कहते हो कि बाबर आजम की बैटिंग पे, बाबर आजम की कप्तानी पे और ओवरऑल पहला मैच हारने के बाद और टेस्ट सीरीज भी हारने के बाद 1-0 आपको पता हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान का इस तरह स्ट्रांगली कम बैक करना, क्या ऑस्ट्रेलियन टीम वीक है या हम बहुत तकड़े हो गए हैं, आपका क्या टेक है? देखिए शकील शेख साहब, इसमें तो कोई शक को शुबे की गुंजाइश नहीं है कि जीत बहुत सारी चीजों पर पर्दा डाल देती है और इसमें कोई शक नहीं है कि हमने सेकंड वनडे इंटरनेशनल में एक्स्ट्राऑर्डिनरी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। जितनी तारीफ की जाए इमाम उल्लाह की, फखर जमान की, बाबर आजम की, वो कम है। उन्होंने सही टाइम पर जो है वो क्लिक किया हालात के मुताबिक और उन्होंने बहुत उमदा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। लेकिन जहां तक आपका ये सवाल है कि जनाब इस सीरीज से हमको क्या मिलता है, इस सीरीज से डेफिनेटली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वर्ल्ड कप 2023 जो सुपर लीग का पॉइंट टेबल है उसमें हमको बढ़त मिलेगी और ये सीरीज हमको 3-0 से जीतनी चाहिए थी। मेरा ख्याल है कि आपने एक मैच इसमें जाया किया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतरीन मौका था, उनकी टीम मिचेल स्टार्क, डेविड वॉर्नर, स्टीव स्मिथ के बगैर यहाँ पर एक्शन में थी, लेकिन हमने पहला एक रोज नाकदी नाकिस हिकमत अमली की वजह से जो है वो मिस कर दिया। लेकिन जहां तक आपकी बात है कि इस सीरीज से क्या बाबर आजम के सारे मामला ठीक हो जाएंगे, बाबर आजम क्या मुस्बत अंदाज में खेल रहे हैं, आई थिंक मेरा ख्याल है ये आप तमाम चीजें टू अर्ली बात कर रहे हैं। मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड, पैट कमिंस अगर ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप पे होते तो शायद आपके मामला डिफरेंट होते। बहरहाल जीत जीत होती है, रिकॉर्ड बुक में ये नहीं लिखा जाएगा कि पैट कमिंस नहीं खेल रहे थे, मिचेल स्टार्क नहीं खेल रहे थे, जोश हेजलवुड नहीं खेल रहे थे और उसके अलावा मैक्सवेल नहीं खेल रहे थे। पाकिस्तान टीम ने जीत हासिल की है, जब हम खराब कारकर्दगी पर तनकीद करते हैं तो अच्छी कारकर्दगी पर हमको टीम को सराहना चाहिए। सही जी, ये सब रमीज राजा साहब ने प्रपोजल दिए जो 7 तारीख को आईसीसी बोर्ड में आ रही है, 4 नेशन टूर्नामेंट, वो कहते हैं कि इससे पाकिस्तान को मेरा ख्याल है कि वो जो एस्टीमेट कर रहे हैं 20 करोड़ के पता नहीं कितने पाउंड का बहुत ज़्यादा मतलब है कि फायदा होगा पाकिस्तान को कमर्शली भी, और उनकी ख्वाहिश लगती है कि पाकिस्तान में ही हो। क्या ये प्रपोजल अच्छी है? एक, क्या ये पाकिस्तान में हो सकती है? दो, क्या आईसीसी इसको अप्रूव करेगा क्योंकि ये एक नया मॉडल अब आ रहा है 4 नेशन का? जाहिर है कि पहले इंडिया का था, अब उन्होंने कहा कि इंडिया तो नहीं है इसमें, 3 टीमें तो परमानेंट होंगी, 1 टीम रिवॉल्व करती रहेगी। पाकिस्तान की क्रिकेट को इससे कितना फ़ायदा होगा? आपकी बड़ी गहरी नज़र है सारे क्रिकेट के सारे सिनारियों पे और पाकिस्तान क्रिकेट किस तरफ जा रही है, ये तजवीज़ कितनी प्रोडक्टिव है फॉर पाकिस्तान क्रिकेट फ्यूचर? शकील शेख साहब, आपके सवाल के 2 जवाब आते हैं। पहला जवाब कि इससे पाकिस्तान क्रिकेट को क्या फ़ायदा होगा? बहुत फायदा होगा, पाकिस्तान के वीरान अब मैदान जो है वो आबाद हुए हैं और टेस्ट क्रिकेट में ठीक है लोगों की दिलचस्पी नहीं है, लेकिन आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट हो रही थी तो 20 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी तो लोगों ने दिलचस्पी का मुजाहरा किया। लेकिन आपको अपने लोगों को इंटैक्ट रखने के लिए, आपको एक अच्छी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट देने के लिए इस तरह के इवेंट्स का इनेकाद जरूरी है। पाकिस्तान सुपर लीग लोगों को अपनी तरफ माइल करता है, मुतवजा करता है, बुनियादी वजह यह है कि T20 क्रिकेट है, 1 घंटा 20 मिनट की एक इनिंग है, लेकिन अगर इस तरह व्हाइट बॉल टूर्नामेंट आप कराएंगे
और मोस्ट प्रोबेबली अगर पड़ोसी मुल्क भारत की टीम उसमें खेलने के लिए आती है तो चार चांद तो लग जाएंगे। लेकिन आपके सवाल का एक सवाल का जवाब तो ये हुआ, दूसरा जवाब यह है कि देखिए बातें तो बहुत हुई है माजी में, नजम अजीज सेठी साहब ने भी बड़ी बात की थी कि जनाब इतना फायदा हो जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंडिया के साथ सीरीज खेलने का, वो कहां गई सीरीज। तो बातें तो बहुत होती रही है, रमीज हसन राजा साहब अब तक बातें ही कर रहे हैं, और जहां तक अगर आप ये बात कर रहे हैं कि ये रमीज राजा का जो है वो ब्रेन चाइल्ड है, उनका बेबी है, उनका जो है वो सेंट्रल आइडिया, तो आई डोंट थिंक सो कि ये उनका आइडिया, इससे पहले ये आइडिया जो है वो माजी में पेश किया जाए किसी और क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। लेकिन देर आया दुरुस्त आया, और अच्छी चीजों को अप्रिशिएट करना चाहिए, हो जाता है तो अच्छी बात है, फायदा कितना होगा नुकसान कितना होगा ये तो अभी इस बात से तकमीला लगाना शायद मेरा ख्याल है टू अर्ली होगा। सही है यही है साहब, ये जो कुछ इस्लामाबाद में हो रहा, थोड़ा सा आपसे इस पर भी बात कर लें जरा थोड़ी सी हटके, जो कुछ इस्लामाबाद में हो रहा, और अब तो मेरा ख्याल है कि 20 घंटे से भी कम रह गए हैं, कल वोटिंग है, और फिर आपको पता है कि सेंटर में अगर मैं फिर कहता हूँ इफ अगर चेंज आती है एक दूसरी पंजाब में भी आ रही है, पंजाब का खैर इतना फर्क नहीं क्रिकेट पे पड़ता, लेकिन क्रिकेट के खेल पे अगर ये चेंज आती है तो आपका क्या टेक है इस पे, कितना फर्क पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट को? देखिए शकील शेख साहब, मैं तो तिफले मकतब हूँ, और माशाल्लाह लोग आपको, हम जैसे लोग तो आपको एक क्रिकेट ऑर्गेनाइजर की हैसियत से जानते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के माजी के जो मामला रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर की कहानियां हैं, उनके साथ आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है। लेकिन जो सहाफी बरादरी है वो शकील शेख साहब को किसी और ताल्लुक से भी जानती है, आपका एक बहुत ही तजुर्बा है, और सियासत में जितनी गहरी नजर आती है, आप पाकिस्तान के सबसे बड़े इंग्लिश अखबार दी न्यूज के लिए खिदमत अंजाम दे चुके हैं। लेकिन आपके सामने बात करना तो बिल्कुल ऐसा होगा कि सूरज को चिराग दिखाने वाली बात होगी, लेकिन बहरहाल चूंकि अब आपने सवाल किया है आपकी मोहब्बत, तो जवाब इसका बहुत आसान है कि देखिए डूबते को तिनके का सहारा चाहिए, और जहां तक आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की बात कर रहे हैं तो इमरान खान साहब माजी में जितने यू टर्न ले चुके हैं, अभी मुझे ये पता चला कि अब वो असेंबली के घर में भी जा रहे हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने अपने जो मुंतखब कौमी असेंबली के मेम्बरान हैं उनको भी कहा है कि जी आप अपनी अटेंडेंस शो करेंगे, तो आई थिंक एक और यू टर्न है, और बहरहाल मैं इसको जो भी वो कोशिश कर रहे हैं और जो भी वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं इसको, आपको जैसे आप ये बात करते हैं कि कौमी असेंबली में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना अपोजिशन का इस्तेहकाक है, अपोजिशन का जमहूरी हक है, तो ये भी वजीर आजम पाकिस्तान का सवाबदीदी इख्तियार नहीं है लेकिन उनका जमहूरी हक है, उनके हाथ से एक चीज निकल रही है, और कि मुट्ठी में जिस तरह रेत नहीं रह सकती, मुट्ठी से जिस तरह रेत निकल रही होती है, हर गुजरता हुआ वक्त जो है वो वजारत मुल्क़ा का जो मनसब है वो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के हाथ से निकल रहा है, और जब लोग उनके अपने उनके साथ नहीं है तो बाकी लोग क्या करेंगे। लेकिन जहां तक आप क्रिकेट में इसकी जो है वो साइड इफेक्ट की बात कर रहे हैं तो जनाब साइड इफेक्ट तो वो कहते हैं ना गलत गोली खाने से होते हैं, लेकिन यहाँ तो रमीज हसन राजा साहब ने जितनी तारीफ तौसीफ की, वसीम अकरम साहब को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया, और रमीज हसन राजा साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के उन खिलाड़ियों में शामिल थे जिसकी वजह से इमरान खान 92 में इंग्लैंड के दौरे पर नहीं गए, लेकिन उन्होंने जनाब जितनी तारीफ और तौसीफ की, जितनी उन्होंने जमीन आसमान के खिलाफे मिलाए, तो बहरहाल उनको मैं अनलकी ही कहूंगा, हसाती वो कप्तान बने थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 97-95 में, लेकिन उसके बाद बहरहाल अनफॉर्चुनेटली बहुत कम उनका टेन्योर रहेगा, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि इमरान खान साहब अगर वजीर आजम पाकिस्तान नहीं रहते हैं तो रमीज हसन राजा के जो है वो जाने का हमको इंतजार करना चाहिए, इखलाकी तौर पर रमीज हसन राजा साहब को खुद मुस्ताफी हो जाना चाहिए, जिस तरह वो मेरे कप्तान की बात करते थे, जिस तरह वो विजन की बात करते थे, तो जब कप्तान ही नहीं रहा तो विजन की बात करते। ठीक है, कुछ सही है, यही मुझे ये बताइए, मैं इस लड़के पे खास तौर पे सिंध से आया, थोड़ा सा लेट खिलाया लेकिन खिलाया है, जायद की मैं बात कर रहा हूँ, लेग स्पिनर की, जब आता है ये विकेट ले जाता है, क्या ज्यादती नहीं हुई इस लड़के, बहुत सारे लड़कों से ज्यादती हुई, और क्या आज साउथ शकील को ड्रॉप करना बनता था जबकि आसिफ को बार बार आप इन आउट करते हैं और वो कोई सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस भी नहीं करता, कभी खेल जाता है कभी नहीं खेलता, लेकिन एक यंग लड़के को ड्रॉप करना आपको कैसा लगा है, और जायद महमूद की एंट्री जो है इन तीनों मैचों में आप कैसी देख रहे हैं? लेकिन शकील शेख साहब, अभी जायद महमूद को आपने वनडे क्रिकेट में जरूर चांस दिया, लेकिन यहाँ पर एक अलमिया रहा है कि जो वनडे का प्लेयर है वो टेस्ट खेल रहा है, जो टेस्ट का प्लेयर है वो T20 क्रिकेट खेल रहा है, तो जायद महमूद को इन द एब्सेंस ऑफ यासिर शाह टेस्ट टीम में मौका मिलना चाहिए था, लेकिन अभी आप वनडे क्रिकेट की अगर आप बात करेंगे तो वनडे क्रिकेट में कोई इम्पैक्ट उनका नजर नहीं आया 3 एक रोज़ मैच की सीरीज में, और उसकी बुनियाद पर अगर आप उनको मुस्तकबिल में ड्रॉप कर देते हैं तो वो यहाँ के प्लेयर फिलहाल थे ही नहीं, आपने पहले उनको T20 क्रिकेट खिलाया और उस्मान कादिर की मौजूदगी में जाहिद महमूद को खिलाना ये नाइंसाफी के मुतराफ़ है। जहां तक आप सऊद शकील की बात कर रहे हैं तो सऊद शकील पहली बात तो ये कि उनका इंडक्शन
जो है वो इस टीम की कॉम्बिनेशन के लिए जो था वो सही नहीं था, लेकिन आज के मैच में डिसाइसिव मैच में उनको ड्रॉप करना और आसिफ अली को शामिल करना, ये तो पसंद नापसंद की बात है, दोस्ती यारियों की बात है जो कि इस टीम के लिए कैंसर जैसी है, इस टीम के लिए दीमक जैसी है, लेकिन चल रहा है मामला, अल्लाह राम फरमाए जी। यहीं और आप ये बताइए यहीं कि अब ऑस्ट्रेलिया का टूर तो तकरीबन कंप्लीट हो रहा है, बहुत 24 साल के बाद हुआ, बड़ा सक्सेसफुल टूर हो गया, पीसफुल हो गया, अच्छे इंतजाम हो गए, आप इसके बाद वेस्ट इंडीज आ रही है, फिर इंग्लैंड आएगी, फिर न्यूजीलैंड आएगी, तो आपको पता है कि 2025 में चैंपियन ट्रॉफी भी है हमारी, पाकिस्तान की क्रिकेट का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है शकील शेख साहब, और मैं मुबारकबाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, बहुत सारे मामला ठीक नहीं है लेकिन उसके बावजूद जिस तरह होस्ट किया हमने ऑस्ट्रेलिया, मुबारकबाद की मुस्तैक है और अल्लाह तबारकबाद अल्लाह का बड़ा करम है कि ये सीरीज है वो किसी मसले के बगैर अपने अंजाम को पहुंचे। ठीक है, बहुत शुक्रिया यहीया हुसैनी हमारे साथ मौजूद थे। शेख साहब यहीया हैं जो वो आसिफ को शामिल करना दोस्ती करार दे रहे हैं लग रहा है, लेकिन ये है कि यंग लड़के को थोड़ा सा मेरा जाती ख्याल है कि चांस देना चाहिए, थोड़ी सी इन्होंने बैटिंग लाइन को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है, वो इन आउट रहा है, सही है, कभी बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर देता है, कभी बिल्कुल ही रह जाता है। पाकिस्तान कप में भी मैंने उसको देखा है, कोई इतनी खातर खा उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी, सही है। मैं हमायत में हूँ कि अगर आपने किसी यंग लड़के को इंट्रोड्यूस कर ही दिया है और उसको खिला ही दिया है, डेब्यू कर दिया है, तो फिर उसको जल्दी से डिस्कार्ड ना करें, थोड़ा टाइम मिलना चाहिए, थोड़ा टाइम देना, थोड़ा लॉन्ग रन देना चाहिए और फिर उसको खिलाना चाहिए, यारी दोस्तियों को हमेशा पीछे छोड़ना चाहिए, सही। क्योंकि ये सही कहा है कि ये कैंसर है और इस तरह फिर टीमें जो है ना वो ख़राब हो जाती है, इसलिए मेरा जो ख्याल था कि उस बेचारे का चांस बनना चाहिए था और उसको खिलाना चाहिए था, कोई बात नहीं अगर वो ज़्यादा नहीं अच्छा परफॉर्म कर सका, मगर ये है कि यंगस्टर पर इन्वेस्ट करना कोई बुरा नहीं होता, अच्छा ही होता है। सही है, अब क्या समझते हैं कितना टारगेट है जो वो वहाँ तक जाता हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि 97 रन हुए और 23वां 24वां ओवर चल रहा है अभी, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा क्योंकि इनकी 5 विकेटें गिर गई, आपको तो मेजर प्लेयर तो आउट हो गए, अब ऑलराउंडर ही मतलब वो आया, मेरा ख्याल कैरी खेल रहा है जी, कैरी और कैमरन विकेट कीपर जो है वो खेल रहा है, और अगर एक आध विकेट यहाँ पे गिर गई तो फिर मुझे लगता है 250 भी बड़ा मुश्किल है इनके लिए आज तो, पाकिस्तान के लिए हलवा नहीं साबित होगा। आप पाकिस्तान के लिए रमज़ान की आमद है और हमारी टीम जो है वो ऊपर ही ऊपर जा रही है जी, तो ये रमज़ान में ये खास तौर पे आपने आपने नोट किया होगा बिल्कुल ऐसे रमज़ान में और रमजान के करीब पाकिस्तानी टीम और लड़के बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, चैंपियन ट्रॉफी याद है बिल्कुल, आपको याद है ना ये सारी बातें, मैं कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं डालना चाहता लेकिन मैंने जिक्र कर दिया है कि रमजान की आमद है तो उसके साथ ही पाकिस्तानी टीम भी आसमानों को टच कर रही है जी बिल्कुल ऐसा। अच्छा शेख साहब हम जरा उमर गुल पे बात कर लेते हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है अफगानिस्तान की टीम को ज्वाइन किया एज ए बॉलिंग कंसल्टेंट और वकार की भी शायद उनके साथ बातचीत चल रही है, कितना उमर गुल का? मैं तो देखे मेरे तो यहाँ पे इस्लामाबाद से मैंने इसको काफ़ी खिलाया, पेशावर से जब यहाँ आ गया था, फिर ये है कि डायमंड पे क्योंकि रेगुलरली ये प्रैक्टिस करता था जी, ट्रेनिंग भी करता था, फिर उसने कोचिंग को ऑप्ट किया और मुख्तलिफ रीजन की कोचिंग रहा, फिर PSL में भी आपको पता है कि टीमों के साथ चला गया था, ठीक है, शायद क्वेटा ग्लैडिएटर के साथ चला गया था, तो अब बड़ा डिजर्विंग लड़का है, सही है, बड़ा अच्छा बॉलर था, इंसान भी बड़ा अच्छा है और मेरा ख्याल है अफगानिस्तान को काफी फायदा होगा। ठीक है, नुमान बट साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बट साहब आपको वेलकम करते हैं शो में। जी बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी साहब आप VSK जी बिल्कुल, बट साहब सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, क्रिकेट में तो हमारी बात चल ही रही है, कुछ तब्दीलियों की बात की जा रही है, यहाँ फेडरल में तब्दीलियाँ हो रही है, आप क्या समझते हैं इसका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कितना असर पड़ेगा? अरे गालमों कौन सा इशू छेड़ दिया आपने, वो तो उनकी नजर चेक करें आप जाके क्रिकेट बोर्ड वालों की। अच्छा, वो तो उनको मुंह छुपाने की और वो बस अब सिफारिशें ढूंढ रहे हैं, कोई किसी के पाँव पड़ रहा है, कोई किसी से 5 मिनट मांग रहा है, कोई किसी से 10 मिनट मांग रहा है, कोई कहता है एक लम्बे के लिए मेरी बात ही सुने, और ये देखे मास्टर पीस क्या है, ये जो इंतजार के भूखे लोग हैं कि इमरान खान के नाम पे इनकी दुकानदारी बल्कि मैं कहूँगा हट्टी चलती है, चलती रही, अभी इमरान खान भी मौजूद है, दमीर राजा भी मौजूद है, और ये जो ना दूसरे घर में जाके अपनी उनको इन्होंने अभी से कोशिशें कर रहे हैं उनको अपनी रोहतदारी का यकीन दिला ले, लेकिन ये हर दफा ये दौर नहीं लगते, ये नहीं होगा और इंशाल्लाह ताला हम ये होने भी नहीं देंगे, जो पाकिस्तान की क्रिकेट और क्रिकेट ऑर्गेनाइजर के साथ जिन्होंने किया है, क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया है। आज मैं सवाल करता हूँ, मुझे अच्छी तरह याद है कि नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जब नदीम खान ने
ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर का डायरेक्टर बना था लाख रुपए तनखा लेके, तो इसने अपने पहले इंटरव्यू में कहा था जी मैं 6 माह में पाकिस्तान के क्रिकेट को टॉप पे पहुंचा दूंगा। कहा 4 साल उसने क्या किया, फिर समी बर्मी को ये लेके आ गए सालमानी साहब, और भाई एक प्रेस रिलीज दे रहे कि तुमने उसे 15 लाख रुपए दिया, अब तो प्रेस रिलीज जो उसकी भी जरूरत नहीं है, भाई जो लाहौर का मीडिया बैठा उसको तो ज्यादा पता होता है, लाहौर कराची और जो इस्लामाबाद के मीडिया पर्सन है उनको ज्यादा बोर्ड के अंदर की खबर होती है, इनकी तो प्रेस रिलीज की जरूरत ही नहीं है, इन्होंने तो प्रेस रिलीज देखना होती है वजाहत की, और झूठ पे झूठ ही उन्होंने बोले है, क्रिकेट तो बात कर दी, और जो जितने भी डायरेक्टर है उनको लाखों रुपए में तनखा दी, सालाना करोड़ों रुपए जो लड़कों पे खर्च होने चाहिए थे, जो हमारे क्रिकेट पे खर्च होने चाहिए थे और जो उन पर खर्च होते थे 1 अरब से कुछ ज्यादा पैसे जो होते थे रीजन पे खर्च होते थे, और 1 अरब से ज्यादा जो पैसा था वो डिपार्टमेंट वो खर्च कर, इन्होंने सब पे बड़ा गर्व किया। और मुझे वो दिन भी अब याद आ रहा है कि जब PSL शुरू की नजम शेट्टी साहब के दौर में, तो इन्होंने उस बोर्ड में मीटिंग की, शेख साहब तो इन बातों के आईनी शायद है कि उन्होंने कहा कि जी आप बाहर से लोगों को हायर कर लें, तो वो जब उन्होंने उनका एस्टिमेट लगाया तो वो कुछ 30 करोड़ का सलाना APSL का खर्चा बनता था, तो सिटी साहब ने अपने मुकामी लोगों को मैक्सिमम 2.5 लाख 2 लाख मैक्सिमम जो सबसे किसी को अगर कोई सैलरी किसी डायरेक्टर को मिली वो 5 लाख थी, और उन्होंने क्या किया साहब शेख सर के जैसे साथियों कमिश्नर से कि आप कुछ लोगों के बोनस बढ़ा दे कि PSL के लिए आप ताकत करें, उनको शेट्टी साहब और शेख साहब एंड पब्लिक ने कॉन्फिडेंस दिया कि आप लोग ये कर सकते हैं, हमें बाइक हायर करने की जरूरत नहीं है। अब जो वही वसीम गुलजार खां है वो भी जाके मिलते तरले कर रहे हैं, जो बड़ा कहता था जी मैं ये हूँ मैं वो मैं बड़ी तोप चीज हूँ, मुझे ये बताया कि जिसको आज के दिन तक इंग्लैंड के किसी एक क्लब ने पाकिस्तान से जाने के बाद कोई अहदा नहीं दिया, कोई उसको ऑर्गेनाइजर का अहदा नहीं दिया, आपने उसको पाकिस्तान का CEO लगा दिया। साथ क्या जुल्म हुआ है पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ, उसके लिए तो अल्फाज कम पड़ जाते हैं। सही है। लेकिन सल्ला सबका फुल अवाम के दालों में सबका साफ होगा, वहां कचहरी लगाएंगे इंशाल्लाह ताला भाई पिछली के गेट के बाहर, और साथ इन सबको ना मैं तो करो तख्तादार पे लटाना चाहिए। सही। तो बट साहब ये बताइए कि कोई क्रिकेट पे भी तबसरा कर लें या सियासत तो खैर आपका बड़ा पसंदीदा मौजू है। सर ये सियासत नहीं है, ये हमारा दुख है हमारी तकलीफ है। जी जी। क्रिकेट तबाह कर दी, रोए भी ना पीटे भी ना चीखे भी ना क्या करे फिर। सही है सही। मगर आज बताइए कि आज तो आवाम की नुमाइंदगी करते हैं ना, हम सब वोट लेके आते हैं। वो बात ठीक है, हम तो LOC पे जाके इतने बड़े हमारे जो एरियाज है वहाँ जाते हैं, तो हम ये भी आपके जज्बात की कदर करते हैं, बात कर रहे हैं। और आप बड़े को बेरोजगार कर दिया, बड़े बाहिम्मत आदमी हो आप, बड़े आपकी कदर करते हैं, एक बागी बोर्ड मेंबर के तौर पर आप अमर जुए हैं, और पूरा पाकिस्तान आपके जज्बात की कदर करता है, आपकी हिम्मत की अगर हकी बात कहने वाले को बागी कहा जाता तो फिर मैं बागी हूँ। ठीक है, मुझे सब फखर है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा बरसा ये बताइए, ये मैच आप तीसरा मैच है, एक एक मैच जीते हुए हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, लेकिन आज का मैच पाकिस्तान बहुत भारी पड़ रहा है, 105 स्कोर हुआ है, 5 आउट हो गए, 26 ओवर हो गए हैं और पाकिस्तान जीतने के करीब है, टेस्ट सीरीज हम हार गए थे। आप क्या कहते हैं, पाकिस्तान टीम रिफॉर्म कर गई है, इस सारा बदल गया है, एकदम इन्होंने क्रिकेट को उठाया है, क्या आपका क्या टेक है इसमें? सर आप इस पर आप इसको आप सियासत में प्लीज इन्वॉल्व करना, देखिए वहां के जाने का टाइम है, 900 के बादल छट गए हैं, तो पाकिस्तान टीम ने परफॉर्म करने शुरू कर दिए। अच्छा। आज मैच पाकिस्तान के हाथ में है, पाकिस्तान जीतेगा, 106 पे भी 5 आउट है, फिर 25 ओवर होने को है। जी जी ठीक थी मची ना, तो आप टेस्ट सीरीज उनसे हारे हैं, वन डे जो पहला हम उनसे था बुरा हारे हैं, और फिर जब ये तरीके पेश हुई है, मैं बिल्कुल उसके साथ उसको जोड़ना चाहता हूँ, और ताकि वहां को पता हो कि जो लीडरशिप का भी बड़ा असर उसमें होता है इन खिलाड़ियों पे, ये भी तो इंसान है ना, ये भी पाकिस्तानी है हमारे खिलाड़ी, उनपे भी असर पड़ता है। सही है। तो बड़ साहब ये बताइए कि ये अपना अगर पाकिस्तान ये जीता है 2-1 से, मुझे लग रहा है पाकिस्तान फिर T20 का मैच रह गया है, अब दूसरी टीमें भी बहुत सारी आ रही हैं, इंग्लैंड न्यूजीलैंड आ रही है, वेस्ट इंडीज़ आ रही है, चैंपियन ट्रॉफी 2025 में है, काफ़ी पाकिस्तान की क्रिकेट उठ गई है, कोविड का दौर भी ख़त्म हो गया है, सियासी मंजरनामा भी चेंज हो रहा है,
तो मुझे ये बताइए पाकिस्तान की क्रिकेट का क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं? सर देखिए, पाकिस्तान का क्रिकेट का फ्यूचर तो है, पिछले 3-4 सालों में जो क्रिकेट को तबाह किया गया है, मुझे ये नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह ताला एक तो जो पुराना सिस्टम है फौरी बहाल होना तो कहीं हो बल्कि हो जाएगा, जिसमें क्लब क्रिकेट, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट, रीजनल क्रिकेट, और इंतहाई कोशिश होनी चाहिए डिपार्टमेंट क्रिकेट को जल्द से जल्द बाहर करवा जाए। जो प्राइम मिनिस्टर जयप्रकाश शी साहब का रहा है, वो भी बड़े क्रिकेट लवर है, वो हर मैच के ऊपर अपनी ट्वीट जरूर करते हैं, वो अपने खिलाड़ी को पुश करते हैं, बैक करते हैं, अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, सब करते हैं, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसको पूरी कौम देखती है, लीडर देखते हैं, आम आदमी देखता है। तो जारी बात, जब टीम हारती है तो वो भी दिल शिकस्त होते हैं, टीम जीतती है वो उनको अप्रिशिएट करते हैं। तो जब बोर्ड के अंदर से तब्दीलियाँ होंगी, मेन जो है जो बोर्ड के अंदर तब्दीलियाँ होंगी, तो मैं समझ हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। हम अपना नया टैलेंट यंगस्टर को लेके आएंगे, उनके लिए रास्ते जब खुल जाएंगे, सारे दरवाजे जो इन्होंने बंद किए हैं, इमरान खान के दौर में बंद हुए, साद मानी, वसीम खान है और अमीर राजे ने उनको बंद किया, तो वो दरवाजे जब जैसे ही खुलेंगे तो इतना टैलेंट है कि इंशाल्लाह ताला टेम्परेचर से बीमारी होगी, हम हर फील्ड में हर शोबे में हम कामयाब होंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। शेख साहब, नुमान भट्ट साहब भी क्रिकेट की तबाही की बात करें, काफ़ी जाहिर सी बात है अभी तब्दीलियां अगर आ रही हैं तो यकीनी तौर पर डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाल होनी चाहिए। आवाज़ें देखें पूरे पाकिस्तान से आ रही हैं कि अगर तब्दीली आती है तो फिर डिपार्टमेंट क्रिकेट होनी चाहिए, इलेक्टेड एसोसिएशनें होनी चाहिए, ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट अच्छी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, इंटरनेशनल टीमों को आना चाहिए, PSL के लिए और काम करना चाहिए। इस तरह के इनिशिएटिव जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़े अच्छे होंगे। ठीक है, और अभी तो आवाज़ें उठ रही हैं, आपको पता है 18-20 घंटे रह गए हैं। ठीक है, उसके बाद पता लगेगा कि भाई कैसी सूरतेहाल बनती है, और सियासत की इस सूरतेहाल का क्रिकेट पे बड़ा इफेक्ट होगा। ठीक है, वो आइदर वे हो तो मेरा ख्याल है कि फिर क्रिकेट पे काफ़ी असरात इसके मुरतब होंगे। देखते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट किस तरफ जाती है। मैं ज़ाती तौर पे आई विश ऑल द बेस्ट फॉर पाकिस्तान। ठीक है शेख साहब, हमें एज ए सैयद साहब ने ज्वाइन किया। एज ए सैयद साहब, आपको वेलकम करते हैं शो में। थैंक यू वेरी मच। एज साहब, क्या कहते हैं आज मैच आप देख रहे हैं? पाकिस्तान काफ़ी अच्छी, आज पाकिस्तान ने बॉलिंग की है और आज ऐसा लगता है कि जैसे 63 जो वनडे है पाकिस्तान जीत जाएगा, इसके साथ ही सीरीज भी जीतेगा। क्या कहेंगे टीम पे? जी, टीम इज प्लेइंग वेरी वेल, और इसके अंदर आपको मेन चीज जो डिफरेंस आपको नजर आया होगा वो टीम सिलेक्शन में है कि शाहीन शाह अफरीदी को टीम में वापस लाया गया। सही, पिछले मैच में भी उन्होंने ब्रेक थ्रू प्रोवाइड किया, इस मैच के अंदर भी उन्होंने इनिशियल ब्रेक थ्रू प्रोवाइड किया। राइट, तो वो इस टीम के अंदर कंपेयर टू द फर्स्ट मैच वो मेजर डिफरेंस है। टीम सिलेक्शन में काफी फ्लॉज थे जिसकी वजह से पहला वनडे मैच आ रहे हम। तो ऐसा सर ये बताइए, ये लगता तो ये है सुपर लीग के मैचेस थे और ऑस्ट्रेलियन टीम काफी वीक थी, तो पाकिस्तान ये 2-1 से अगर जीत गया तो पाकिस्तान को बड़ा एडवांटेज है, इसका मतलब पाकिस्तान की क्रिकेट सही सिमत में जा रही है, या आप समझते हैं कि नहीं इसमें अभी बहुत सारी गुंजाइश है, बहुत सारी चीज़ें करने की हैं जो क्रिकेट बोर्ड में होने की हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट से लेके जो भी कॉरपोरेट सेक्टर, आपका क्या टेक है इसमें? शेख साहब, मेरा तो ये ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट पिछले 3.5-4 साल में काफ़ी नीचे चली गई है। अच्छा, एक्सक्यूज मी, डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं हो सकी, क्लब क्रिकेट नहीं हो सकी, आपके जो स्टेक होल्डर्स थे, हजारों स्टेक होल्डर्स जिन्होंने हर साल अरबों रुपए PCB की सपोर्ट में दिया करते थे कि वो क्रिकेट ऑर्गेनाइज करें, उनका जो टोटल बजट था वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बजट से ज्यादा हुआ करता था डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए। उन टीमों को बंद कर दिया गया, एक नया सिस्टम लेके ले आए जिस सिस्टम के अंदर 3 साल और इनफैक्ट अभी तक एड हॉक रीजंस चल रहे हैं, कोई जो स्टेक होल्डर्स हैं वो पार्ट ही नहीं है उस चीज का। तो ये लगता है कि ये सिस्टम जो है ये पार्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट है ही नहीं। सही, तो इस सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, और ये जब तक सिस्टम चेंज नहीं होगा आपको नए प्लेयर्स नहीं मिलेंगे। आप देखिए कि आप चाहे वनडे क्रिकेट है या टेस्ट क्रिकेट है, पाकिस्तानी प्लेयर्स जो खेल रहे हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि विद अ लुक टू द फ्यूचर आप किस एज के बच्चों को डेब्यू करवा रहे हैं। सही, मिड 30s के लड़के आप डेब्यू करवा रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, जिससे ये जाहिर होता है कि आपका डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर जो है
जो फीड स्टॉक है आपका वो कलैप्स कर गया हुआ है। सही। इस सारे सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, जो आपका प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर जो 2-3 अरब रुपए इन्वेस्ट करता था, आपके क्लब्स, हजारों क्लब्स जो स्टेक होल्डर्स थे उनको पीसीबी के साथ कोलैबोरेटिव एफर्ट के थ्रू चलाया जाता था, वो सारा कलैप्स हो चुका होगा ड्यू टू चेंज ऑफ सिस्टम। उस सिस्टम को ठीक करने में अब बहुत एफर्ट चाहिए। और वो एफर्ट जो है, शेख साहब जैसे लोग, नजम सेठी जैसे लोग, जिन लोगों ने पाकिस्तानी क्रिकेट को बहुत अच्छा फ्यूचर दिया था कि पीएसएल के रेवेन्यूज जो हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट में लग सकें, पाकिस्तानी क्रिकेट और डेवलप हो सके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके, क्लब टूर्नामेंट्स हो सके, रीजनल टूर्नामेंट ज्यादा हो सके बिकॉज ऑफ पीएसएल, वो बेसिकली हो नहीं सका। सही है। तो अब मेरे ख्याल में टाइम आ गया कि ये सारा सिस्टम जो है इसको रिवैम्प किया जाए। सही। और इसके अंदर कोलैबोरेटिव एफर्ट के थ्रू सारे क्लब्स को, सारे जो बेसिकली स्टेक होल्डर्स हैं, जो बिलियंस ऑफ रुपीस, थाउजेंड्स ऑफ आवर्स ऑफ टाइम स्पेंड करते हैं इस सिस्टम के अंदर, ठीक है, उसको रीइंटीग्रेट किया जाए सिस्टम के अंदर। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया एज ए सैयद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। शेख साहब, एज ए साहब भी वही बात कर रहे थे, आखिर सिस्टम को तब्दील करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि ज़रूरत है जी, ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा है, और सिस्टम को थोड़ा सा ना एक शेकअप करने की ज़रूरत है, रिवैम्प करने की ज़रूरत है, और फिर पाकिस्तान को अच्छे यंगस्टर भी मिलेंगे, लड़के भी मिलेंगे। ये जो बाबर आजम वगैरह या रिजवान वगैरह, ये पुराने सिस्टम की सारी पैदा। सही। तो वो आपको ना थोड़ा सा स्टीम लाइन करना पड़ेगा। ठीक है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की क्रिकेट उठेगी और एक दफ़ा फिर दुनिया में रूल करेगी। बहुत शुक्रिया शकील शेख साहब, हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान लड़ा भारी, ऐसा लगता है जैसे आज का मैच ही पाकिस्तान जीतेगा। आज के शो से अपने होस्ट निवेद खोखर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।